इतनी देर क्यों लगा रही है, कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रही है इसकी? मैम बैठ जाएं, आप थक जाएंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो पानी। जाओ जाके अपना काम करो। सुनो जी, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं यहां मत आना, ओके? गो। क्या हो गया, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक पहुंच क्यों नहीं रहे? सर रश का टाइम है, देर तो लगेगी सर। अच्छा प्लीज आप जल्दी गाड़ी चलाएं, फास्ट ड्राइविंग करें थोड़ी। ओके सर। लगता है अब मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। Tell me. हाँ फोन बंद क्यों करती है? दोबारा मिलाती हूँ। I love this one. It's a good news for me. Thank God. Hello? Hello? तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना? तुमने तो रेहतन के साथ ही क्या किया? ओह, तुम्हें उसकी मोहब्बत खींच ले आई है ना, है ना? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है तुमने सुपुल। रियली? मैंने क्या गलत किया? और जो तुमने मेरे साथ किया है उसको क्या नाम दोगे? धोखेबाज, बेवफा, दगाबाज। ये ठाट बाट, ये इज्जत, ये दौलत, ये सब मेरी दी हुई है, जिस पे तुम्हारा पूरा खानदान ऐश कर, और तुम किसी दूसरी औरत के बच्चे के बाप बनने वाले, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ तब्रेज? कैसे? अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना ये, तो जाओ, चले जाओ यहां से, और मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। मैं अपना हस्बैंड किसी से शेयर नहीं कर सकती, मुझे शेयर करने की आदत नहीं है तब्रेज, ये तुम जानते हो। बेहतर ये होगा तुम्हारे लिए कि तुम यहां से चले जाओ। कैसे जा सकते हो तुम यहां से? कहीं नहीं जा सकते तब्रेज, तुम्हें सब आसाइशों की आदत हो चुकी हुई है, तो बेहतर ये होगा तुम्हारे लिए कि तुम कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारा उसका सामना हो। मैं डिवोर्स पेपर रेडी रखूंगी, तुम साइन कर देना। Good.
शक्ल क्या देख रही हो मेरी? आओ सहारा दो से। चल आ जा, चल 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 उतर, आ जा, आ जल्दी से, चल 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 चल, हाथ पकड़ के उतार 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 उतार। अल्लाह साईं वे, मौला साईं वे, तेरे कर्मों से रहमत तेरी से आए जो होठों पे पूरी हो मेरी दुआ, ये मुझे यकीन है सुनता है मेरा song. Marco Square has been a fun. Hey, kahan ja rahi hai? कैसे भाप रहे हैं? अपनी औलाद को अच्छे और बुरे की तमीज नहीं सिखा सके। एक इंसान पाने के लिए उसने उसने खुदा को नाराज कर दिया। उसकी नाराजगी मोल ले ली आपने। आपकी बेटी सोचे सोचे खसारे में कौन है? मी? या आप लोग? मुझे मेरे हक से महरूम किया है आप लोगों ने। याद रखिएगा, जिस पर मेरा यकीन है सब बहुत इंसाफ वाला है। मैंने ना मुकदमा उसकी अदालत में पेश किया, वो मुझे मायूस नहीं करेगा, वो मुझे मायूस नहीं करेगा कभी भी। मैं चढ़ गई हूं, लेकिन मैं सारे में नहीं हूं, क्योंकि मैं उसकी रजा की राह पर हूं। मैं जुल्म करने वालों में से नहीं हूं। सुना आपने, मैं जुल्म करने वालों में से नहीं हूं। क्या बकवास कर रही है? तुझे पता नहीं कितने बड़े आदमी है? बड़े होंगे आपके लिए, मेरे लिए ही कमजोर इंसान। आप
औरत। नहीं आया मुझ पे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे किस जुर्म की सजा दी आपने? मैंने तो आपके साथ कभी गलत नहीं किया चाची जान। आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने क्यों करना है? समझाएं इसको, बताएं आप भला मैंने क्यों करना है ऐसे? मेरी बात सुनो, हौसले से मेरी बात सुन। सच्ची बात ये है कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो तब्रेज से और अपनी सौकन से पूछ, मेरा कोई कसूर नहीं है। और समझदारी का सबूत यही है, देख सुन समझ ले, तब्रेज तुझे रखना नहीं चाहता था। अकलमंदी का तकाजा भी यही है, देख तू मेरे रिश्ते साथ रह के उसको फायदा क्या है? जब से सुंबल से जुड़ा है तू देख कहाँ से कहाँ चला गया मेरा बेटा। और जो तू बोल रही है ना, ये अगर तरस खा कर तुझे अपने घर में रखना भी हो तो फिर मैं नहीं रखूंगी, तू कहाँ जाएगी? समझ ले इस बात को और चुप हो जा, खामोश हो जा, ना हलकान हो। ये सोच ना सर, तेरा कौन है फिर? तू सारा तेरे को तैयार हूँ मैं, इसको पकड़ पकड़, इसको क्या हो रहा है? राज की इसको ले जा, कमरे में ले जा। अस्की अस्की जल्दी आ, कोई है? हाँ है, उठा इसे, उठा कमरे में लेके चल। या अल्लाह खैर, मेरे डब्बा अस्की, चल सारा फिर उधर से पकड़ पकड़ पकड़। क्यों चीज़ है? रतन तुम यहाँ क्यों आई? जान ने आपको नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? अगर तुम आ ही रही थी तो मुझे फोन तो कर देती। आप ही ने तो कहा था कि फोन ना करो, अब आप खफा हो रहे हैं। मैं मर गई तुम्हें, ये क्या कर रहा है तू? को पता चल गया ना तो तुझे पता ना किसी सूरत छोड़ेगी नहीं तुझे। अम्मा यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, दुर्योधन की मौजूदगी से सुमन को जरा प्रॉब्लम नहीं? फोर्स तुम सब ये बातें, ये बेवकूफ है तू, क्या हो गया तुझे? अकल कर कोई, खुदा का खौफ कर। देख बेटा, दिल से नहीं दिमाग से सोच, हमें ये सब कुछ चाहिए, फिलहाल हम उसे बिगाड़ नहीं सकते। आपकी बात सही है अम्मा, लेकिन दुर्योधन बता रही थी कि उसे कोई प्रॉब्लम है। मैं ना, मैं तू सब छोड़ के बातें, ये सब औरतों के मसले हैं, मैं कर रही हूँ ना, मैं तू फिक्र ना कर। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, आप बस मुझे घर वापस भिजवा दें। अगर तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर पे जाना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ उसको कि इसकी तबीयत खराब है, इसका दिल घबराता है, मुझे पता है खून की कमी है, इसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आप लोगों को भी निकलना चाहिए, इसका बार बार कॉल कर रही, क्या कैंसिल कर दूँ? नहीं नहीं जाना है हमें, बिल्कुल जाना प्लीज। अम्मी सब ठीक तो है ना? हाँ, हम तो घर भी आ गए हैं, पैसे मिल गए है भी नहीं, भी तो घर आए हैं, बाद में बात करूंगी ना, ठहर जा। तो जल्दी करे ना अम्मी, कलीम का आज भी फोन आया था, पूछ रहे थे वो, उनको जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करना, आप समझ क्यों नहीं रही? अम्मी आप लोग एक काम करें, आज ही वापस आ जाए ना। मेरी बात सुन, उसकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी संभलती है ना तो करती हूँ बात। चलो नहीं मुझ अम्मी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। ले
जल्दियां भी बड़ियां ते फोन भी बंद करता। जेब कुड़ी है, बात कैसे कर। मदन जी कैसी हैं? सब ठीक है, वही हुआ जिसका डर था। हाय भाई, डॉक्टर्स ने ऐसे ही थोड़ी अच्छी सी लेडी डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया था। क्या मतलब है तुम? सही से बताओ ना, मेरा दिल पहले ही बहुत घबरा रहा है। मदन जी तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, वो बड़ी सख्त जान है, खुद तो बच गई। क्या जो ही तुम जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, हम भी जाएंगे वहां। क्या मतलब, क्यों जाएंगे? बैठ जाए आराम से भाई, अम्मी है वहां पे और दुर्योधन का शौहर भी मौजूद है, संभाल लेंगे खुद ही उसे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, हमारा भी तो रिश्ता है उनसे, हमारा जाना बनता है। भाई मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, कलीम का फोन आया था, कहते मुझे लेने आएंगे आज, मैं तो जा रही हूँ। आपको जाना है ना, जरूर जाए, शौक से जाए। कोई जाए ना जाए, मैं अदन जी के पास जरूर जाऊंगा। बैठे बिठाए इतनी बड़ी रकम, मम्मी पता नहीं कितने दिनों में वापस आए। सोच रही हूँ उर्फी भाई के साथ ही चली जाती हूँ, जैसे चेक हाथ लगेगा वापस आ जाऊं। उर्फी भाई रुकती हूँ, उर्फी भाई को, उर्फी भाई रुके। मैं तो बता नहीं सकता कितना दुख हुआ है मुझे। वो पत्थर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई है। और क्या कर सकते हैं पुत्र, जो किस्मत में लिखा था उसे कोई टाल नहीं सकता, अल्लाह की यही मर्जी है। बाप इस वक्त शहर आ सकते हैं? क्यों नहीं पुत्र, ले। ये कोई कहने वाली बात है? पर पुत्र को पियो की जरूरत हो, पियो क्यों नहीं आएगा? मैं काम करता हूं, मैं और जूही जो है वो फौरन निकलते हैं, पहुंचते हैं तेरे पास। और पुत्र तू बिल्कुल फिक्र ना कर, अल्लाह पे भरोसा रख, मेरे पुत्र को अल्लाह और रंग लगाएगा, देखी तू है। बस हम आते हैं, रब रखा। तबरीज की काल थी, बड़ा सख्त परेशान है यार, पता नहीं परेशानी की वजह यही है या कुछ और मामला। तड़प रहा है बेचारा, मुझे बुलाया है। मैंने फैसला किया कि मैं और जूही जो है ना वो जा रहे हैं, तुम जरा कामकाज का ख्याल रख। लेकिन अब्बा जी, वो मैं चाहता था कि मैं भी अदन जी से मिल लूं। पुत्र मैं समझता हूँ तुझे अपना भरा और अभी बहुत अजीज है, पर बेटा मेरी बात भी समझने की कोशिश कर। हाँ बाजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल वक्त है तबरेज और अदन जी के लिए, मुझे जाना चाहिए। मास्टर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दुर्योधन को अपने साथ ही ले आऊं, हैं? और मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा दिन लगेंगे। पुत्र काम की नौयत ऐसी है, मैं
काम को छोड़ नहीं सकता, तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, क्या समझे? हाँ अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे भाई, आप इधर ही रुके, मैं चली जाती हूँ। और ठीक है पुत्री, तू दो चार जोड़े पैक कर ले, मैं ना अपना काम समेट के आता हूँ, फिर निकलते हैं। है? मास्टर जी ध्यान रखना है। पता नहीं यही बात है या कोई और बात है। मैं तुझसे बात करना चाहती थी कि देख, मैं कसम खाती हूँ कि ये जो जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देख मैं तेरे से चलो सख्ती कर लेती हूँ, डांट ढूंढ लेती हूँ, लेकिन ये तो ना कर सकती आखिर। चल तो फिर आराम कर, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? ख्याल रखना। ओ पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। जैसा तुम चाहती हैं सब कुछ वैसा तो हो रहा है, फिर अब क्यों मुंह बना के बैठी हो यार? तब्रेज इस्लामाबाद नहीं गया, उस मनहूस के लिए उल्टे पांव वापस आ गया, उसे उसकी बहुत फिक्र है। क्या तब्रेज इस्लामाबाद नहीं गया है? तो पर कहां है वो? हमारा काम तो हो चुका है, तब्रेज कर भी क्या सकता है? Why don't you understand, Dad? मुझे वो मोहब्बत जगा रही जो तब्रेज के दिल में उस मनोज के लिए। तुम प्लीज अपने जहन पे इतना बोझ मत डालो। अंकल आप तब्रेज से बात क्यों नहीं करते हैं? बेटा मैं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ही वो किस्सा खत्म कर चुका होगा। ऑफ कोर्स संबल, वो वाकई ऐसा करेगा। तुम प्लीज टेंशन लेना बंद कर दो। अब बहुत बड़ी गलती होगी हमसे, उस अदन का काम तमाम कर देना चाहिए था। अम्मा क्या बोलूं? दुर्योधन का सुन के अब्बा और उर्फी भी मेरे साथ लाहौर आने के लिए तैयार हो गए। आज मैं बढ़ गई। ये क्या कह रही है तू? खुदा का वास्ता देख मेरी बात सुन, जो ही रोक उनको। इसकी कसर रह गई थी, देख
वो आएंगे तो मुझे तो ना कर खुदा का वास्ता किसी तरह से रोक ले उनको, वरना सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। अम्मा कैसे रोकूं, अब वो नहीं रुकने वाले। तो बल्कि ये सोचें कि इनको एतमाद में कैसे लेने, और दुर्योधन को क्या धमकी देके उसका मुंह बंद करवाना है। तो अम्मा मैं तो कसम से दोरी मुसीबत में फंस गई हूँ। कलीम इंतजार में बैठा हुआ, कोई गड़बड़ होगी, मुझे रकम ना मिली तो फिर क्या करूंगी। खुदादा वास्ता तू मेरा ना तरा कट। क्या हो गया तुझे? मैंने दुर्योधन से कह दिया कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई साजिश नहीं है, मुझे किसी बात का नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा ना नाल आई। देख तू भी गलती से कोई बात मुंह से ना निकाल दे। आप एक काम करें अम्मा, मेरे वहां पहुंचने से पहले पहले उस नकचिड़ी से वो रकम हासिल कर लें किसी तरह। कोशिश करती हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कोशिश नहीं अम्मा, मेरे पहुंचने से पहले हर हाल में ये काम करके रखें। हाय अल्लाह, अच्छा ना करती हूँ कुछ, मेरी तो जान निकल रही है, अल्लाह रहम करे। अच्छा मैं करती हूँ तेरे अब्बा जी से, मैं खुद ही बात करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। यकूब को क्या जरूरत पड़ गई थी आने की। चलो यकूब को तो मैं किस तरह संभाल लूंगी, लेकिन ये यूरफी, उसके दिल में जरूर गिरा पड़ जाएगी। वो माँ और बहन को माफ नहीं करेगा, मुझे पता है। और जूही के अब्बा जी से मुझे बात करनी चाहिए, खुद ही बात करती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि वही रुके, वो वही रुके, हम लोग आ रहे हैं। हाँ ये ठीक है। तबरेज़ घर पे नहीं है और ना ही आपकी अम्मी। आपको पैसे वैसे चाहिए तो बताएं, मैं दे देती हूँ। जी नहीं, पैसे हैं मेरे पास। मुझे तबरेज़ और रतन जी से मिलना था। सबको फोन कर रहा हूँ, कोई फोन उठा नहीं रहा था, इसलिए परेशान हो गया। आप बता दीजिए वो लोग कहाँ हैं। I don't know. क्या? ये कैसे बात कर रही हैं आप? लेकिन नहीं, आप तो खुश होंगी कि रतन जी के साथ ये सब कुछ हुआ। चारी पहली बार आई थी यहाँ तबरेज़ के पास, और जिस हालत में आई थी उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो इत्तेफाक नहीं है। ये सब आपने करवाया उनके साथ? तो बदन जी को यहां की वजह से हुआ ये सब? बोले जवाब दें। ये मेरा घर और मैं तबरेज के अलावा यहां किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मजबूरन मुझे बर्दाश्त करना भी पड़े तो मैं अपने से दूर नेक्सी में रखती हूँ, उनकी औकात में, समझे? लिसन,
जो चाहूं वो कर सकते। पता नहीं नीना ने तुम्हें यहां क्यों बिठाया। इतना खुश, इतना तकबर, ये सब आपने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ किया है। इसका अंजाम जानते हैं? तबरेज ने मुझे बताया था आप किसी गवर्नमेंट स्कूल की कोई आम से टीचर हैं, उर्दू पढ़ाते हैं शायद आप, सो प्लीज मुझे लेक्चर मत दीजिए। इफ यू आर डन सो यू कैन लीव इट। सही बताया था तो प्रेज दे, एक गवर्नमेंट स्कूल का आम सा टीचर हूं मैं, उर्दू पढ़ाने वाला। लेकिन आप जानती हैं, आपसे ज्यादा बाशऊर तो मेरी क्लास के बच्चे हैं। जो इतना जरूर जानते हैं कि उससे अकड़ी हुई गर्दन छूटती नहीं, उठ जाती है। Hey. Get out. I said get out. नहीं तप्रेस, थैंक यू सो मच। तप्रेस क्या बात है, तुम घर का ऐश आराम छोड़ के इस तरह होटल में आ गए? दुर्योधन का सामना नहीं कर सकता सर, जब वो चली जाएगी तो खुद ही आ जाओ। ओ, ये बात है, संभल समझ रही है कि तुम उससे खफा हो के घर छोड़ के आ गए। ऑफिस गए थे आज? जी सर गया था, ऑफिस से पता चला कि आप नहीं है। I wasn't feeling well, जाना चाह रहा था but didn't feel up to it। अचानक आपका कैसे आना हुआ? ओ नहीं जी, मैं अचानक नहीं आया, बुलावे पे आया हूं, मेरे पुत्र ने बुलाया था मुझे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस हुआ मुझे, आज ही बस जो अल्लाह से होने के बाद। अच्छा तब्रेज मैं चलता हूँ, दो तीन दिन में जब जरा मामला सेटल हो जाएगा तो बस कम बैक होम।
पुत्र की, ये सब क्या है? मेरी समझ में कख नहीं आ रहा। तू सब कुछ छोड़कर यहाँ होटल में क्यों पड़ा है? तेरी माँ का ही फोन है। हाँ, और पहुंच गया हूं, पहुंच गया हूं। सामने खड़ा बात कर, रख फोन। और कह रहा हूं ना कि बात करता हूं, रख फोन, रख। बात समझ में नहीं आ रही यार, तेरी माँ तुझसे बात करना चाह रही है, तुझे फोन करती है तो फोन नहीं उठाता, उस बेचारी से बात क्यों नहीं कर रहा? कोई बात नहीं करनी मुझे अम्मा से, और ना मेरा पुत्र, ना ना ऐसा नहीं कहते। देख देख पुत्र, मैं मानता हूं कि तू सदमे से गुजर रहा है, पुत्री ये हादसे जो है ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना, यूं यूं सिर सुट के मायूस होकर बैठना ना तो मत नशेवा नहीं है, है? कोई हादसा नहीं था अब्बा, ये सोची समझी प्लानिंग थी।